Hi guys, I'm Anvesha Mukherjee. Welcome back to my channel Simple Tips Anvesha. आज ये वीडियो जो मैं बहुत दिनों से करने को बेसिकली आप कह सकते हो अवॉइड कर रही थी एक तरह से वो है PCOD डाइट. ठीक है, नाउ द वर्ड PCOD और PCOD के ऊपर मेरे बहुत वीडियोस है, हाउ आई लॉस्ट वेट विद PCOD, व्हाट आई डू विद माय PCOD लाइफस्टाइल. बट जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है मुझे आजकल वो है PCOD स्पेसिफिक डाइट. मेरे पास टाइम है तो ही ये वीडियो आप केयरफुली देखिए, केयरफुली सुनना, क्योंकि ये कोई क्विक फिक्स फिर से मैं कह रही हूँ वीडियो नहीं है. ठीक है, ये लंबी होगी वीडियो क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है. एंड ऑफकोर्स यू कैन डिसएग्री विथ मी, दैट्स योर चॉइस, बट दिस इज माई स्टोरी, माई वर्शन, माई पर्सपेक्टिव, वॉट आई हैव लर्न, वॉट आई नो, वॉट आई हैव डन एंड वॉट आई डू. ना उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, गो हैड क्लिक द रेड सब्सक्राइब बटन एंड दैट बेल टिंग 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 राइट नेक्स्ट इट, सो दैट यू स्टे नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियोज. आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो. ठीक है, तो अब बहुत लोगों को हम में से PCOD है, मैं भी उनमें से एक हूँ. ठीक है, अभी क्योर है मेरी, काफ़ी हद तक सिस्ट की साइज स्मॉल हो गई है. नाउ PCOD क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, मतलब आपके ओवरीज में औरतों को सिस्ट्स है. इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इट्स अ हार्मोनल डिजीज. अब हमें बहुत लोगों को पता है कि आपके डाइट में ग्लूटेन नहीं होगी, अगर लैक्टोज नहीं होगी, तो मेडिकल साइंस में ये बहुत स्टडीज है, प्रूवन रिजल्ट्स है कि PCOD में बहुत हेल्प होती है. लोगों की वेट लॉस होती है, लोगों की एक्नी प्रॉब्लम्स, पीरियड प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कंट्रोल होती है. वन मोर वेरी बिग प्रॉब्लम इन योर डाइट इज शुगर, जंक फूड, टू मच ऑयली फूड. क्योंकि PCOD में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी इंसुलिन जो हार्मोन है बॉडी में, दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है. सो ये है हमारी मेजर प्रॉब्लम्स. सो वी नो द फूड दैट वी हैव टू अवॉइड. ठीक है, हमें पता है क्योंकि हमने सुना है, हमने देखा है कि लोगों ने ये किया है, तो हमें चाहिए अब क्या डाइट करें. इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ओट मील्स पे जिएंगे, सैलड्स पे जिएंगे, सूप पे जिएंगे, ऐसी बात नहीं है. मैं आज फोकस करूंगी कि आपको डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट. एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट अबाउट कि सुबह उठ के क्या खाना है, सुबह शाम को फिर क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है. एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो. PCOD में भी आप बहुत कुछ खा सकते हो, पर आपको सब कुछ मॉडरेशन में करना होगा. ठीक है, आपको समझना होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम तब होती है कि आपकी बॉडी एकदम डीफंक्शनल है, आपकी बॉडी में एक्सरसाइज नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, बहुत ही रद्दी लाइफस्टाइल की वजह से PCOD होती है. ठीक है, मतलब आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहते हो दिन भर घर पे या ऑफिस में या फिर हॉस्टल में, खाना आपका हमेशा बाहर होता है, दिन में आप एक बार मिनिमम जंक फूड खाते हो, तो ये है प्रॉब्लम मेजर. ये प्रॉब्लम्स को, लाइफस्टाइल को अटैक करो. सुबह उठते ही आप अगर एप्पल साइडर विनेगर लेते हो, गुड इनफ. अगर आप ऐसे नॉर्मल पानी पीते हो, ठीक है. अगर आप यू नो नींबू पानी पीते हो, जो भी लेते हो, कोकोनट वाटर लेते हो, वट एवर यू टेक, लाइक आई प्रेफरेबली टेक एप्पल साइडर विनेगर व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आलमंड्स, ये लेती हूँ मैं सुबह. उसके बाद मैं जब फ्रेश हो जाती हूँ, मैं लेती हूँ एक चम्मच घी. ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, रिसेंटली तो नहीं, दो तीन महीने फिर भी मुझे हो गया है. मैं घी लेती हूँ, एक चम्मच घी, देसी काऊ घी, देसी गाय की घी. आई मीन दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन डू फॉर योर PCOD, फॉर योर स्किन प्रॉब्लम्स, फॉर योर हेयर प्रॉब्लम्स. आई हैव लिटरली लर्न दिस फ्रॉम रुजुता दिवाकर, द गॉड डाइटिशियन फॉर मी, एंड इट वर्क्स लाइक अ मिरेकल. मैं मैजिक की तरह मैं बिलीव करती हूँ. घी पे मैं अलग एक वीडियो ही बनाऊंगी बहुत जल्द. ये है क्या, हेल्दी फैट, गुड फैट इन योर डाइट. ये आपको हेल्प करेगी ना सिर्फ आपकी शुगर क्रेविंग को फाइट करने में, बट ऑल्सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम हुई है बॉडी में उसको ठीक करने में आपकी सहायता करेगी. आई प्रेफर एनी टाइम इन द मॉर्निंग, मे बी ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, वॉट एवर टाइम, जस्ट हैव दिस, इंक्लूड दिस, दिस मेक्स अ डिफरेंस. पहले मैं इसको यकीन नहीं करती थी, अब मैं करती हूँ क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, तो मैं इसको बता रही हूँ, आप इसको इनकॉर्पोरेट करो, आप फर्क देख के हैरान हो जाओगे. फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको इनकॉर्पोरेट करना है, राइस, वाइट राइस. डू नॉट गिव अप वाइट राइस, इट इज़ प्रिपोस्ट्रस हाउ वाइट राइस इज सीन एज एन एनिमी इन योर डाइट. इसका GI इंडेक्स हाई है, ये है वो है, ऐसा नहीं है. वाइट राइस को लाओ, दही, कर्ड, प्रोबायोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अपने डाइट में लाओ. बनाना, इट हैज मैग्नीशियम, उसको डाइट में ले आओ. वन बनाना डे इज ग्रेट, नो, आपकी वेट गेन नहीं होगी बनाना से. अगर आप वर्कआउट कर रहे हो डेली, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, आप खाना पीना ठीक से रहते हो, तो आपकी वेट गेन कभी नहीं हो सकती बनाना से. मैग्नीशियम है इसमें, बहुत सही. कोकोनट, इट हैज फॉलिक एसिड, दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी इन योर डाइट एवरी डे.
जो नहीं है हम उस पर फोकस करते हैं, हम इस पर फोकस कभी नहीं करते कि हमें क्या डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आप खा सब कुछ सकते हो, सब कुछ मॉडरेशन में कर सकते हो। आप हफ्ते में एक बार दो बार आप बाहर जाके डेजर्ट भी ले सकते हो, थोड़ा सा छोटू सा एक कपकेक ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज लॉन्ग एज यू हैव ऑल दिस गुड थिंग्स इन योर डाइट डेली। तो अगर वीक में एक या दो बार आपने चीट मील कर लिया, डेजर्ट खा लिया, तो आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्किंग आउट, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, गो टू जिम, डूइंग वेट्स, डूइंग योगा, इंटेंस योगा, ये सब है पीसीओडी की डाइट रूटीन में। कहोगे तो डाइट रूटीन में आपकी वर्कआउट भी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के पोहा भी ले सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हो, ओट मील ले सकते हो, अंडा ले सकते हो, पराठे ले सकते हो, रोटी सब्जी ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, ठीक है। आप चाय भी ले सकते हो सुबह, आप कॉफ़ी भी ले सकते हो सुबह, ठीक है। कोशिश करना शुगर उसमें कम करें, वाइट शुगर हमें उसको हटाना है सिस्टम से, जितना हो सके उसको दूर रखना है। तो अगर आप दो चम्मच अभी लेते हो तो उसको एक चम्मच कर दो, अगर आप एक चम्मच लेते हो उसको आधा चम्मच कर दो। मैं किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कहूँगी कि हमेशा के लिए हटा दो। हाँ, कॉफ़ी, कोला, टी, दीज डिहाइड्रेट द बॉडी, ओके। सो इफ़ यू कैन रिड्यूस इट, that is nothing better, that you keep trying for it, okay? And don't take PCOD such a disastrous disease, क्या हो जाएगा, क्या करूँगी मैं, ऐसा कुछ नहीं है, okay? हम इसको handle कर सकते हैं। Fitness is not that difficult, हम इसको difficult बनाते हैं दिमाग से, diet, workout, ये सोच के, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। Normal घर का खाना, वही पर अगर आप stick कर सकते हो अपने workout के साथ तो आपकी बहुत फ़ायदा होगी। घी एंड गुड फैट को include करो डाइट में, चावल, दही, बनानास, कोकोनट, गुड अमाउंट ऑफ डिटॉक्स वाटर, वाटर इन योर डाइट, लाइक आई सेड, एसीवी हैज़ वर्क लाइक अ मिरेकल टू मी, ओके। आई एम दीज डेज कंज्यूमिंग द हेल्थ कार्ड एसीवी, आई हैव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट, इट्स अ वेरी गुड एसीवी। गेट दीज थिंग्स इन योर डाइट। फिर रात को भी आप चावल ले सकते हो, बाय द वे आपको रोटी खानी है ठीक है, बट मैं कहूँगी स्विच टू वाइट राइस। वाइट राइस इज वेरी गुड फॉर्म ऑफ कार्ब। मैं रात को रोज़ चावल लेती हूँ, दाल चावल एवरी डे, और फिश करी राइस आई विल हैव इट एवरी डे, आई एम अ राइस सकर, एंड राइस इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर बॉडी। राइस की क्वांटिटी कम करो, मतलब अभी आप जितना खा रहे हो उसका आधा लेना, ठीक है, राइस, दैट इज व्हाट योर क्वांटिटी शुड बी। बाकी दाल, सब्जी, फिश, चिकन, एग जो भी ले रहे हो वो नॉर्मल रखो, ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है इवनिंग टाइम में जब भूख लगती है स्नैक्स, उस टाइम में मखाने, चना, छोले, ठीक है, प्रोटीन शेक अगर वर्कआउट कर रहे हो तो, एक बनाना, योगा बार, मतलब जो योगी बार होते हैं स्नैक्स, ये सब आप कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के अंदर स्नैक्स का ऑप्शन दे दूंगी। तो स्नैक्स वाला टाइम होता है जब हम थोड़ा बवरा जाते हैं, तो पगला जाते हैं, वो टाइम थोड़ा पहले से सोच रखो, कुछ ऑप्शन में डाल रही हूँ, और वो टाइम थोड़ा पहले से सोच रखो, वो टाइम रोज़ बाहर जाके समोसे, पकौड़े, चाट नहीं खाना है, ठीक है, वो अवॉइड करना है ऑफिस के बाद या घर पे, वो बना के नहीं खाना है, ठीक है, उसको थोड़ा अवॉइड करो, उसको हफ्ते में एक दिन करो, ज़्यादा मत करो, वो थोड़ा टाइम हम जब ऑयली तले हुए चीज़ें प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये इंडियन हाउस होल्ड में ट्रेडिशन है, सो उसको आपको बीट, एक्चुअली उसको क्रेविंग को बीट करना होगा। सो दैट इज इट, दैट इज अ वेरी सिंपल डाइट, इट्स अ डूएबल सस्टेनेबल लाइफ लॉन्ग डाइट। पीसीओडी में वेट लॉस इसलिए कर पाई हूँ, पीसीओडी को कंट्रोल इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि मैं ये करती हूँ। मैंने किसी भी चीज़ को एकदम अपने सिस्टम से बाहर नहीं किया, और फोकस उस पर किया कि इंक्लूड क्या करूँगी अपने सिस्टम पे, वही होनी चाहिए आपके एक्चुअल पीसीओडी डाइट। और ये एकदम दिमाग से हटा दो, ये गंदा है, वो गंदा है, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, क्या नहीं खाओ उस पर नहीं, क्या खाओ उस पर फोकस करो, फिर देखना आपकी पीसीओडी में कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि हैव एक्चुअली अटैक्ट योर मेंटल पीस। So try to calm it by doing this thing. If you enjoyed the video, give it a big like. नीचे अपने प्यारे प्यारे comment जरूर छोड़ के जाना. I love you guys so much. Take care of yourself. Stay fit. Stay happy. Work out. That is important. Work out. Don't be sitting there. Stand up. Roam around and watch the video. Take care. Bye.